नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम युवाओं से और बच्चों से मुखातिब, हम बात करेंगे समय के बारे में। समय, समय को काल भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक समय आता है जब एक सांप भैंसे पर सवार होकर आते हैं। समझ गए ना, भैंसे पर सवार होकर कौन आते हैं? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं आते, लेकिन पक्का पता तो हमें भी नहीं है आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आते हैं, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए भैंसे पर सवार होकर आते हैं। और एक उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे सामने अभी आके खड़े हो गए भैंसे वाले। अच्छा, कुछ लोग बड़े इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि जो भैंसे वाले हैं, जिसे लेने आते हैं, जिसके पास आते हैं, बस उसी को दिखाई देते हैं और किसी को नजर नहीं आते। मान लीजिए मेरे सामने अभी आके खड़े हो गए, चलो, उन्होंने कहा चलो उठो। अरे, हमने कहा भैंसे वाले भाई साहब, भैंसे वाले भैया, इतनी जल्दी आ गए? अभी तो मेरे बहुत काम है, अभी छोड़ दो यार, चलो। अरे भैंसे वाले भैया, 6 महीने दे दो यार, कुछ काम बाकी है, कर लूं फिर चलूंगा। आप ये बताइए, वो समय देगा नहीं देगा? अच्छा, 6 महीने नहीं देते भैंसे वाले भाई साहब, भैंसे वाले भैया, 3 महीने दे दो, 3 महीने मिलेगा टाइम? नहीं, 3 महीने भी नहीं दोगे? अच्छा, 10 दिन दे दो भैंसे वाले भैया, 10 दिन मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 दिन भी नहीं दोगे? 1 दिन दे दो भैंसे वाले भैया, भैंसे वाले भाई साहब, 1 दिन मिलेगा टाइम? नहीं, 1 दिन भी नहीं दोगे? अरे 1 घंटा दे दो भैंसे वाले भाई साहब, 1 घंटा। अपनी पत्नी को कुछ बताना है, कुछ चीजें बतानी है, उसको पता नहीं है, उसको बतानी है, 1 घंटा दे दो। मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 घंटा भी नहीं दोगे? अरे 2 मिनट दे दो यार, 2 मिनट कुछ बात कर लूं, वाइफ से बात कर लूं, माँ से बात कर लूं, 2 मिनट मिलेंगे? मैं जानता हूं आपका उत्तर क्या है, नहीं मिलेंगे। अच्छा, ऐसा करो 5 सांस दे दो यार, 5 सांस मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, एक ही सांस दे दो यार, जरा गहरी सांस ले लूं, एक सांस दे दो यार, मिलेगी? नहीं मिलेगी। जैसे ही भैंसे वाला आएगा, वो छोड़ेगा नहीं। जितनी सांसें लेकर आए हैं, एक सांस भी एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं है। हम सबके पास लिमिटेड समय, लिमिटेड सांसें हैं। जो सांसें, जो समय नष्ट कर दी, वो वापस नहीं आएंगी। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसलिए समय के महत्व को पहचानिए। डोंट वेस्ट योर टाइम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स में, बहसबाजी में। अपना समय नष्ट मत करिए, मत करिए। अपने लक्ष्य की ओर देखिए, उसको अचीव करने का प्रयास करिए और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपनी हेल्प करिए, सहायता करिए। क्योंकि समय निश्चित है, भैंसे वाला करीब है, किसी भी समय आकर पकड़ लेगा। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम इज योर लाइफ। इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आज यहीं तक। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अब तक इसे सब्सक्राइब ना किया हो, तो आज अभी इसी वक्त कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।